Good morning, dear friends. Today again we will start with our chapter, that is moving charges and magnetism. So last lecture I have explained you about the Biot-Savart's law. So we'll recall something about that. In the Biot-Savart's law, what I told, if this is a conductor, this is a current I, this is element DL, this is a point P at which we want to calculate the magnetic field, then this will be the R, this will be R cap, this will be theta, this will be the length. In this case, what we learned is B is equal to mu naught I upon 4 pi integration dl cross R cap upon R square. So this is very important result in the context of the Biot-Savart's law. तो बेटा अभी Biot-Savart's law के बाद हमने क्या पढ़ा था कि थोड़ा सा पढ़ा था Biot-Savart's law स्ट्रेट कंडक्टर के लिए कैसे अप्लाई करते हैं. तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था ये ऐसा, बीचों बीच कंडक्टर के ऊपर एक पॉइंट ए बनाओ, नीचे बी बनाओ, उसको मैंने फाइनाइट बोला था, और यहाँ से कौन सा भी एक एलिमेंट ले लो, वो बनाया था मैंने, तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ. ये बन गया आपका अल्फा, ये बन गया आपका बीटा, ऊपर वाला अल्फा ये नीचे वाला बीटा, खाली इसको बोलेंगे माइनस, क्योंकि अल्फा ऊपर से नीचे से ऊपर है और बीटा आपका नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है. तो बोथ आर इन द अपोजिट डिरेक्शन एंड इंटीग्रेटिंग एंड एवरीथिंग ऑल. तो लेकिन यहाँ पे अभी डेरिवेशन के लिए आप माइनस ले लोगे, लेकिन डेरिवेशन करने के बाद जो आता है वो फॉर्मूला लिखोगे, तो वो ज़्यादा इधर रखने का जरूरत नहीं. अभी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी विल टेक जस्ट डायरेक्टली इट एज अ अल्फा एंड बीटा, वो ज़्यादा नहीं इधर उधर करेंगे उसको. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके. तो बेटा अभी यहाँ पे म्यू नॉट आर अपॉन फोर पाई डी क्या आता है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये तो कल हमने पढ़ा है. तो अभी बेटा टुडे वी विल पुट अ फ्लैश ऑन दिस, हाउ टू गो विद दिस कॉन्फिगरेशन. तो वो थोड़ा ठीक से उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे. तो बेटा व्हाट हैपेंस वंस योर कॉन्फिगरेशन इज प्रिपेयर्ड, देन फॉर योर कॉन्फिगरेशन यू हैव टू allocate what is the position of the point. Suppose आपको दिया है, for example आपको दिया है एक conductor है, okay, ये length दिया है 1 meter, length कितना दिया है 1 meter दिया है, okay, और कौन सा भी आप एक आपका length दिया है, और ये जो पॉइंट है P, ये सपोज यहाँ पे रखा है, तो ये क्या हुआ, अभी आपका डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे बड़ा है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपको देखने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्या लिया है, आई हैव टेकन साइन ऑफ बोथ अल्फा एंड बीटा. तो क्या करने का आपको, ये जनरल केस हुआ, कहीं पे भी आप, ये डी हो गया आपका, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो कहीं पे भी आपने जनरल केस लिया तो ये होता है. अगर मैंने इसको ऊपर डाल दिया तो ऐसे बनेगा कॉन्फिगरेशन, कल भी मैंने बताया था आपको, आपको याद होगा इस कॉन्फिगरेशन में यहाँ पे ए बोला, यहाँ पे बी बोला. तो बेटा यहाँ पे क्या हो सकता है, बेटा यहाँ पे मैंने पॉइंट पी लिया, तो अभी ये मेरा अल्फा ऊपर जो था, वन मिनट वेट फॉर अ वाइल, अल्फा मेरा जो ऊपर था तो अभी कितना हो गया, ऐसा ऐसा आके इसको पैरेलल हो गया, मतलब ये एंगल जीरो हो गया. तो यहाँ आप क्या ले लोगे, अल्फा को जीरो ले लोगे, अल्फा को जीरो ले लोगे, लेकिन बीटा इज नॉट जीरो, बीटा का जो वैल्यू मिलेगा वो आप यहाँ पुट करोगे, तो ये क्या आएगा, तो आपका म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी इंटू अल्फा, साइन जीरो जीरो होता है, साइन बीटा आएगा. तो हम क्या, हम
उसका एक टैबुलर व्यू बना सकते हैं. सो वी विल ट्राई टू मेक द टैबुलर व्यू ऑफ ऑल दिस थिंग्स. तो मैं आपको एक टेबल बना के देता हूँ, मेरे साथ साथ आप उसको नोट डाउन करो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. तो फटाफट मैं अपना टैबुलर व्यू बना देता हूँ, तो मेरे साथ साथ आप भी उसको देख लो. तो पहले टेबल में पहले लेते हैं, क्या लेते हैं? पहले लेते हैं कॉन्फिगरेशन. ये आपके नोट में नोट डाउन करो, इसको बोलेंगे कॉन्फिगरेशन. कॉन्फिगरेशन में क्या अलग अलग कॉन्फिगरेशन देते हैं हम? और ओके, वहां पे अल्फा बीटा वैल्यू भी बनाएंगे. वैल्यूज ऑफ, ये लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे लिख के दिया है, अल्फा एंड बीटा ये बनाया. और आपका लास्टली फॉर्मूला. ओके, पहला कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं जनरल. तो बोलिए बेटा एक बार फिर, जनरल में कैसा लिखेंगे? इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, बीचो बीच, या कैसे भी आपने इसको बोला. ये बोला आपका अल्फा, ये बोला आपका बीटा. ओके, अल्फा नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बीटा नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पाई बाई टू ऑल्सो. मतलब एक तो वो ज़ीरो भी नहीं है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? एकदम सिंपल, आपका मैथ्स की लैंग्वेज में अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हो? ज़ीरो लेस देन अल्फ़ा लेस देन पाई बाई टू. और बीटा के लिए भी ज़ीरो लेस देन बीटा लेस देन पाई बाई टू. मतलब अल्फ़ा ये कैसा है? ज़ीरो और पाई बाई टू के बीच में है. बीटा इज़ ऑल्सो इन बिटवीन ज़ीरो एंड पाई बाई टू. तो अगर ये केस हो गया तो आप क्या लिख सकते हो? आपका फॉर्मूला बी बन जाएगा आपका, हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी. हाँ, कितना बनेगा? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये बन गया. डिरेक्शन कैसे पता करेंगे? डिरेक्शन को आपको मालूम है, डिरेक्शन के लिए आप कैसे लिखोगे? डिरेक्शन में कॉमन ही लिख के रखता हूँ. अगर करंट मेरा ऐसे जा रहा है, यहाँ पे करंट दिखाना पड़ेगा आपको बेटा, करंट दिखाना पड़ेगा ऐसे ऊपर. अगर करंट ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ से कैसे करोगे आप? लेट मी चेक, ये दिख रहा है ना बोर्ड पे, ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा हमें. कल्पेश चेक करो. सो यहाँ पे आपको मिलेगा गोइंग इन, यहाँ पे कमिंग आउट, गोइंग इन एंड कमिंग आउट. सब केस के लिए यही पड़ेगा आपको. तो ये बन गया आपका डिरेक्शन. और फॉर्मूला क्या बन गया? ये फॉर्मूला बन गया, इसको बोलते हैं फाइनाइट. इसको बोलते हैं फाइनाइट. अभी देखो, अगर मैंने इनफाइनाइट ले लिया, तो कल मैंने बताया था, तो फिर से आपको करके दिखा. तो दोनों बाजू से, मतलब उसका लेंथ बहुत इनफाइनाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका अल्फ़ा भी बन जाएगा 90, बीटा भी बन जाएगा 90, क्योंकि ऐसा करते 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 वो ऊपर जाएगा. कल भी मैंने बताया था आपको, अल्फ़ा और बीटा दोनों भी 90 बनेंगे. अगर ये है तो यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फ़ा 90, बीटा 90, साइन 90 बन आता है. फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई डी साइन 91 प्लस साइन 91, 1 प्लस 1 2 आएगा इंटू 2. इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? बी मिल जाएगा मेरे को 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी. और कैसे बनेगा? बी विल बी जस्ट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी. इसको बोलेंगे फाइनल. ये दो केस आपके इंपॉर्टेंट है. तो ध्यान में रखने के लिए आपको खाली तीन केस रखना है. कितना रखना है? तीन केस ध्यान में रखना है. ये जनरल केस, नहीं तो ध्यान में रखने के लिए एक जनरल रख दिया तो भी चलेगा, लेकिन ये इधर क्या लेना है, ये बच्चों को सवाल आता है, सर ये ऐसा इनफाइनाइट है, उसको एंगल कितना लेना? कभी कभी वो जीरो लेते हैं गलती से, तो जीरो नहीं ले. जीरो कब लेने का है? अगर वो एक कॉर्नर पे है, वो दिखा तो मैं. नंबर तीन, इसको बोलते हैं हम सेमी इनफाइनाइट.
इसको बोलेंगे हम सेमी इनफाइनाइट। अभी सेमी इनफाइनाइट में क्या आएगा, यहाँ से फाइनाइट बनेगा, मतलब यहाँ आपने को मालूम है यहाँ से चालू हो रहा है कंडक्टर, नीचे बहुत है और यहाँ पॉइंट है अपना, तो उस पॉइंट के लिए नीचे वाला वो 90 डिग्री पर रहेगा। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे फाइनाइट है और यहाँ पे इनफाइनाइट है, और ऐसे लिखा मैंने, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे पड़ दिया और ये मेरा आएगा, तो अल्फा तो आएगा जीरो, ये इंपॉर्टेंट है, अल्फा जीरो लेने का, ऊपर वाला इसको अल्फा बोल रहे थे उसको जीरो लेने का, एंड बीटा विल बी 90 डिग्री। अगर अल्फा जीरो है बीटा 90 है तो आपका क्या फॉर्मूला बन सकता है, फॉर्मूला विल बिकम कैसे बनेगा बेटा, यहाँ पे जीरो आएगा साइन जीरो जीरो साइन 91, तो ये कितना आएगा, खाली आपका आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ऐसे ही चीज हम उल्टा भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहां से फाइनाइट लेते हैं और ऊपर इनफाइनाइट लेते हैं, तो ये आपका d इधर आएगा, इसको मैं d बोलता हूँ, करंट ऐसा, यहाँ पे भी करंट ऐसा, इसको d बोलता हूँ। सो इट इज द केस इन विच यू कैन फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट गिवन पॉइंट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको है, तो ऐसा ऐसा बना के आप अपना अपना फॉर्मूला बना सकते हो। सो आई विल वेट फॉर सम टाइम टिल दैट यू पॉज द वीडियो एंड राइट द फॉर्मुलेशन इफ यू वॉन्ट ऑफकोर्स। ओके बेटा, हो गया ठीक, इसको भी हटा दे। सेकेंड पॉइंट है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ डिस्टेंस फॉर स्ट्रेट कंडक्टर ये आपको लिख के लेना है, एकदम सिंपल है। इसके लिए अपने फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा अपना, फॉर्मूला तो बनेगा स्ट्रेट कंडक्टर के लिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, भी हमने जो फॉर्मूला लिखा था वही फॉर्मूला है आपका। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में, इन दिस फॉर्मूला व्हाट यू हैव टू डू बेटा, इफ अ कांस्टेंट करंट इज देयर थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर, क्या थ्रू द कंडक्टर, मतलब अपना जो कंडक्टर है उसमें से I कांस्टेंट है, तो मेरा b क्या बन जाएगा, b विल बी जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये d, b बन जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, है ना, b कितना बन जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d बन जाएगा। तो अगर b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d बन जाता है, तो अगर मैंने ग्राफ निकाला, इफ आई ड्रॉ प्लॉट द ग्राफ ऑफ b वर्सेस d, d मतलब डिस्टेंस, b वर्सेस d, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ विल बिकम एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, ग्राफ विल बिकम एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, मतलब क्या है, जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जाते हैं द वैल्यू दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल गो ऑन डिक्रीजिंग, ये भी अपन ने लास्ट के लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दैट, सो IMP conclusion क्या आएगा, conclusion will be as we go away from the conductor
then value of B goes on decreasing. As we go away from the conductor, very important, huh? Value of B goes on decreasing. तो जैसे जैसे हम कंडक्टर से फार अवे जाते हैं, वी आर गोइंग फार अवे फ्रॉम द कंडक्टर, तो क्या बन जाता है बेटा, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है, कम होते जाता है. अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये जो आपको मैंने कल से पढ़ाया है सब बायोट सेवर्ट्स लॉ, ये उसका एप्लीकेशन हो सकता है जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट कंडक्टर, वो भी बना सकते हैं आप. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो आपको ये लिख सकते हैं. ओके, इसको हटाओगे? ओके, इसको नोट डाउन करो. नोट डाउन करने के बाद मैं इसको हटा दू, विल गो फर्दर. नाउ द आर्टिकल इज वेरी स्मॉल आर्टिकल, बट द सेम टाइम इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. तो ये आपका फ्रेश कंसेप्ट है आपके लिए. जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक पॉइंट सीखे थे, उसको बोले थे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. क्या बोले थे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. तो यहाँ पे भी व्हेनेवर यू आर कंसीडरिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ओनली विथ वन पोल. मैग्नेट आता है मैग्नेटिक डायपोल, ये वर्ड से होता है. तो डायपोल का मतलब है उसको दो पोल होता है. तो आपका क्लासिकल मैग्नेटिज्म में कैसे आएगा, आप बार मैग्नेट दिखाओगे, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, या पढ़ेंगे इन क्लासिकल मैग्नेटिज्म, ये आएगा इसके बाद में जो टॉपिक है आपको उसमें आएगा. आपको ये मैग्नेटिक डायपोल बता दें इसको. अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं वी विल कंसिडर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्ट्रेट कंडक्टर को मोड़ लेते हैं एंड यू आर मेकिंग द स्ट्रेट कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप, इफ यू आर कन्वर्टिंग द स्ट्रेट कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ द सर्कुलर लूप, अगर उसको सर्कुलर लूप बताते हो तो कैसे करते हैं. तो एक नंबर का केस मैंने कैसे बता दिया था, अगर करंट क्लॉकवाइज है, ये करंट है मेरा क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा बेटा, मैंने आपको रूल दिखाया था क्या करने का, इसको ऐसे, उसको ऐसे दिखाने का उसको, तो इट विल बी गोइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, कल बताया था मैंने आपको. और दूसरा केस क्या बताया था, अगर करंट, इफ द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कहाँ आएगा, कमिंग आउट. तो इसी को लेके हम आगे चलते हैं और उस डेरिवेशन को, डेरिवेशन नहीं है, एक आपका आर्टिकल है, उस आर्टिकल को नाम देते हैं करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. तो आपने आर्टिकल का नाम क्या लिखा है, लेट मी रिपीट, आर्टिकल का नाम है करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. इसके बाद में उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ाएंगे, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट्स लॉ. ओके, तो पहले इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ के लेते हैं, क्योंकि ये चीज अपन को आगे वाले आर्टिकल में यूज करना है, जो कि है आपका एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट्स लॉ, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. ओके, सर्कुलर कॉइल बोलो उसको, लूप बोलो, कभी कभी कोई लोग इसको लूप भी बोलते हैं. लूप को क्या होता है, लूप में एक नहीं टर्न होता है, एक दो तीन चार, फॉर नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर फॉर द लूप्स. तो अभी क्या करते हैं, मैं पहले आपको हाउ वी विल गेट द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये आपको पढ़ाता हूँ. तो पहले हम पढ़ाते हैं, ऐसे मैंने क्वाइल लिया एक, क्वाइल मतलब एक रिंग लिया सपोज,
ये भी आपका सिलेंडर है, कॉइल नहीं है. आई वॉन्ट समथिंग विच विल सर्व एज अ कॉइल. फाइंड करता हूँ, अगर मुझे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो मैं आपको बता दूँ. मैंने अभी अपना ये रिंग भी नहीं डालता अभी, क्योंकि अभी कोरोना के चलते हुए घड़ी भी नहीं डालते हाथ में. तो ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये अपना कॉइल है. ऐसे किया उसको, ये आपका कॉइल बन गया. दिख रहा है सबको? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो मैंने दिखाया है, ये ऐसे दिखा रहा हूं, तो आप भी करके देखिए. मेरे सामने मैं ऐसे कर रहा हूं, तो आपके सामने कैसे दिखेगा? आपको सामने से कैसे दिखेगा? क्लॉकवाइज. तो यहां पे भी क्लॉकवाइज. तो यहां पे मैं करंट लेता हूं क्लॉकवाइज. तो अगर मेरा करंट क्लॉकवाइज है, इफ माय करंट इज क्लॉकवाइज, तो अभी मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा, यहां से गोइंग इन, वहां से देखा तो कमिंग आउट. यहां से गोइंग इन, बराबर ना? यहां से दिखेगा क्लॉकवाइज. यही सिंपल चीज मैं देखूंगा. यहां से मुझे एंटी क्लॉकवाइज करके देखो. अगर यहां से मेरे को क्लॉकवाइज दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो अभी देखो 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 देखो, आ गया. मैं ये इसको नहीं बदल रहा हूं, ये ऐसा ही हो रहा है. देखो 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 देखो, अभी क्या हो रहा है? ये आपका दिख रहा है, आपको करके दिखाता हूँ. ये देखो, ये आपने चालू किया. कैसे कर रहा हूँ? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही चालू है. यहाँ पे कैसे हो गया? इधर से देखा तो एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट लाइक अ मिरर, है ना? तो अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो यहाँ से गोइंग इन हो जाएगा और वहां से कमिंग आउट. तो अगर मैंने इसका ये प्लेन पकड़ दिया, तो क्या मैं इसको एरो ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ बेटा, क्योंकि एरो मेरा ऐसे आएगा. यहाँ पे इसका क्रॉस मार्क है ना, एरो का क्रॉस मार्क यहाँ आएगा और पॉइंटिंग उधर आएगा. तो कभी भी जिस डायरेक्शन को, जिस डायरेक्शन को वो पॉइंट करता है, द डायरेक्शन इन विच इट पॉइंट्स, उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, हमको कंसिडर करना है. और इसको बोलते हैं साउथ पोल, और इसको बोलने का मैग्नेट. तो आपको मालूम है, इनसाइड द मैग्नेट इट गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एंड आउटसाइड द मैग्नेट इट गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ये तो आपको मालूम है. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने पढ़ा होगा अपनी 10th क्लास में. इनसाइड द मैग्नेट दे गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो ये मैग्नेट हो गया, साउथ से नॉर्थ तक जा रही है, और आउटसाइड इसका, इसका आगे वाला देखा तो वो आउटसाइड बन जाएगा उसका, वहां से नॉर्थ से निकल रही है और यहाँ पे साउथ पे आ रही है, ऐसा कंसीडर कर सकते हो. सपोज ये नॉर्थ, और इसको बोलता हूं साउथ. तो इस चीज के लिए अपन को एक नया कंसीडर करना है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. तो अभी वो कैसे करने का है वो देख के लेते हैं. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, केस वन फॉर बार मैग्नेट अभी पढ़ा के लेता हूं, आपको बाद में नहीं पढ़ाना पड़ेगा. बार मैग्नेट है आपका, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ. ओके, थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूं. ओके, यहां पे दिखाता हूं, ये पूरा इसको हटा देता हूं और यहां पे दिखाता हूं. Is it looking properly? Yes. Okay. ये बन गया मेरा बार मैग्नेट. ये साउथ, ये नॉर्थ साउथ. नॉर्थ के लिए लेने का प्लस एम, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ. वो पोल का स्ट्रेंथ कितना है, और साउथ के लिए माइनस, इनको बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ. क्या बोलेंगे? पोल स्ट्रेंथ. और ये जो डिस्टेंस होता है, ये लेते हैं 2L. सो 2L इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ. क्या बोलते हैं इसको? बार मैग्नेट की टर्म में नॉर्थ का पोल स्ट्रेंथ जो होता है उसको प्लस एम बोलते हैं,
साउथ का पोल स्ट्रिंग जो होता है उसको माइनस एम बोलते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में कंसिडर किया था, एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज। अगर ये माइनस क्यू है तो ये चार्ज बन जाएगा आपका प्लस क्यू। तो वैसे ही फॉर बार मैग्नेट फॉर नॉर्थ पोल आई हैव कंसिडर्ड द पोल स्ट्रिंग टू बी प्लस एम, वेयर एज फॉर द साउथ पोल आई हैव कंसिडर्ड द पोल स्ट्रिंग टू बी माइनस एम। 2L, कोई कोई इसको कैपिटल L भी बोलते हैं, लेकिन मैं जिस बुक से रेफर करता हूँ रेगुलरली वहाँ पे हम यूज़ करते हैं 2L। तो आपकी NCERT में भी शायद वो 2L ही दिया है। अगर 2L नहीं दिया है तो कैपिटल L दिया होगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 2L लिखते हो तो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आएगा, M इज इक्वल टू कितना आएगा, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ। तो ये मेरा एम बन गया। पोल स्ट्रेंथ कितना, ईच पोल, हाँ ऑफ ईच पोल, दोनों का मिला के नहीं, कौन से भी एक पोल का पोल स्ट्रेंथ लिया वो एम बन गया। मैग्नेटिक लेंथ कितना, 2L। तो मेरा कैपिटल M कितना बन गया, 2ml। अगर मैंने मैग्नेटिक लेंथ लिया है 2L, तो ये सब बन गया आपका मैग्नेटिक डायपोल फॉर बार मैग्नेट। लेकिन ये तो सब आता है क्लासिकल में, तो अभी ये आपका अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ इसको पढ़ाना चाहिए। दैट इज व्हाई आई हैव जस्ट नाउ गिवन यू आइडिया अबाउट द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विद दिस। तो अगेन हम जब क्लासिकल मैग्नेट सीखेंगे, एट दैट टाइम आई विल अगेन गिव यू द आइडिया अबाउट द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज अ डायरेक्शन। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे लिखेंगे, इसका लिखते हैं एम इज इक्वल टू एन आई ए फॉर द कॉइल। ये बनेगा ए। तो एन को क्या बोलेंगे, एन को बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। कॉइल कैसे बनी है, एक टर्न है, दो टर्न है, तीन है, वो बनेगा एन, बनेगा नंबर ऑफ टर्न्स। आई क्या बनेगा, करंट थ्रू द कॉइल। आपका आई क्या बन जाएगा, करंट थ्रू द कॉइल। एंड ए क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो बन गया इसको बोलेंगे एरिया। कॉइल का एरिया कितना, तो ए बन गया। तो एन आई ए, तो एन तो नंबर आएगा, आई क्या आएगा, करंट, और एरिया आपका एरिया। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट आपका बन जाएगा ऑफ एम। एसआई यूनिट ऑफ एम बन जाएगा, नंबर को तो कुछ यूनिट नहीं है, करंट बन जाएगा एम्पियर और ये मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट क्या बन जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो ये आपका बन गया उसका एस आई यूनिट। तो ये था आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये बन गया इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या बन गया, इसका मैग्नीट्यूड बन गया, ये क्या बन गया, एस आई यूनिट। अभी डिरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डिरेक्शन निकालने के लिए डिरेक्शन ऑलवेज एम का साउथ टू नॉर्थ होता है। सो डिरेक्शन कैसे लिख सकते हैं, डिरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब जहाँ नॉर्थ होगा वहाँ पे एरो नोटिस करेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डिरेक्शन कैसे होगा, यहाँ ऐसे, समझ गए। तो हम अभी कॉइल के, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज द कॉइल बी सर्क्यूलर, नॉट नेसेसरी। तो अगर आपका
सर्कुलर कॉइल है तो उसके लिए है कैसे करते हैं, ओके तो इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सब हमने जो फॉर्मूला बनाया है, आई विल गिव यू द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दैट। वो डायरेक्ट एप्लीकेशन करने के बाद जो चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे। तो क्या चीज़ होती है, तो क्या होता है एक्चुअली, तो पहले लेता हूँ मैं केस वन, कॉइल ऑफ रेडियस ए और आर लिखते हैं, आर लिखते हैं इसको। तो कॉइल कैसे बन गया, कैसे बन गया, मतलब ऐसे जा रहा है ऐसे, तो अभी नहीं तो ऐसे करते हैं आपको दिखने के लिए ठीक लगे, इसको ऐसे बनाते हैं, मतलब अपना जैसे लिया था वैसे। तो आगे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे बन जाएगा नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। आपका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा एम, ओके। तो उसके लिए उसका फॉर्मूला कैसे आएगा, एम इज इक्वल टू एन आई ए, ए कितना आएगा, सपोज इसका रेडियस मैंने बताया आपको आर, तो एन आई इंटू पाई आर स्क्वेयर, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना बनेगा, पाई आर स्क्वेयर एन आई, ये बन गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसा अगर मैंने लिया तो ये बन जाएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। केस टू लेता हूँ, स्क्वेयर कॉइल ऑफ साइड ए, तो कैसे बन जाएगा, ये मेरा स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करंट लेता हूँ, यहाँ से यहाँ गया, ओके, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इसको भी ए बोलता हूँ, इसको भी ए बोलता हूँ, करंट कितना है, आई है, तो यहाँ पे भी जा रहा है ऐसे ही, तो करंट इधर कौन हो जाएगा, नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, अगेन आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे निकलेगा, कितना लिखेंगे, अगेन एन आई इंटू एरिया कितना, ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट उसका एन आई ए स्क्वायर, डिरेक्शन उस डिरेक्शन। अभी हम लेते हैं केस थ्री, केस थ्री में क्या करो, पहले मैंने लिया सर्कुलर कॉइल, इधर लिखता हूँ सर्कुलर कॉइल, लिखना भूल गया, सर्कुलर कॉइल। नेक्स्ट पॉइंट बेटा स्क्वायर कॉइल लिया, नाउ वी विल टेक द रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल कैसे दिखे बेटा, इट विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल ऑफ से लेंथ एल एंड ब्रेथ बी, द सेम करंट, सेम फ्लो ऑफ द करंट वी विल हैव, अगेन इट विल बी से क्लॉकवाइज, इफ द करंट इज क्लॉकवाइज अगेन वी विल गो लाइक दिस, सो इफ विल यूज अगेन द राइट हैंड रूल, आई विल गेट नॉर्थ पोल एट दिस साइड, साउथ पोल एट दिस साइड, अगेन आई विल राइट द मैग्नेटिक मोमेंट डिरेक्शन टू बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अभी ये मेरा मैग्नेटिक मोमेंट कैसे बन जाएगा, एन आई एरिया विल बी एल क्रॉस बी और एल बी, तो डायरेक्टली कितना बन जाएगा, एन आई एल बी। सो दिस इज द वे इन विच यू कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर द गिवन कॉइल, तो बन गया वन पॉइंट। तो पहले हमने क्या सीखा, स्ट्रेट कंडक्टर का केस कंटिन्यू किया, वी हैव सीन द केसेस, डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैपनिंग फॉर द स्ट्रेट कंडक्टर। बाद में हमने क्या देखा, वो होने के बाद वी हैव टैबुलेटेड ऑल द केसेस एंड वी हैव सीन हाउ वी कैन एक्सप्रेस द न्यू टर्म विच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो हमने क्या सीखा बेटा, इफ वी आर हैविंग अ बार मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ प्लस एंड माइनस एम, दैट इज एम, एंड मैग्नेटिक लेंथ टू एल, देन इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी एम इंटू टू एल, दैट इज टू एम एल, ये हमने सीखा। लेकिन इफ वी आर नॉट हैविंग अ मैग्नेट बट वी आर स्टडिंग द मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मतलब वी आर स्टडिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, सो वाइल स्टडिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल, कॉइल के लिए आता है स्पेशली ये, बिकॉज
करंट कैरिंग कॉइल ऑलवेज एक्ट एज ए मैग्नेट, ये आपने टेंथ में भी सीखा है। अगर कॉइल में से करंट गुजरता है देन इट एक्ट एज ए मैग्नेट, क्योंकि एक साइड को नॉर्थ पोल जैसा एक्ट होती है, दूसरी साइड को साउथ पोल जैसा एक्ट होती है। इसका ही आगे का वर्जन है, इसका ही आगे का वर्जन है जो ऐसे दिखता है आपको, उसको वाइंड किया लेकिन थोड़ा दूर दूर किया मैं, जैसा मैंने हेलिक्स दिखाया था आपको, हेलिकल शेप, तो स्प्रिंग के जैसे दिख रहा है, इसको बोलेंगे हम सोलेनॉइड। क्या बोलने का इसको? सोलेनॉइड। या ऐसा भी कर सकता हूँ, इसको उल्टा भी कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। तो अगर मैंने इसको ऐसा किया तो ये बन जाएगा सोलेनॉइड। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही जगह पे नंबर ऑफ टर्न्स उसका बढ़ा रहा, नहीं तो उल्टा, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो एक ही जगह पे, लेकिन यहाँ पे देयर इज सम डिस्टेंस। तो इसके लिए सब मैग्नेट का जो कुछ है वो सब अलग बनता है, वो बाद में करते हैं। ओके, सो एट फर्स्ट, सो बिफोर गोइंग फॉर एप्लीकेशंस, अपन ने क्या स्टडी किया है, व्हाट इज मीन बाय द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अभी हम देखने जाएंगे उसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे एक्सिस मतलब दिखाता हूं। तो पहले हम डेरिवेशन का ये निकालते हैं उसका, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। नाम क्या दे देंगे उसको? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो मैं इसको नाम देता हूँ फिगर, इसको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्क्यूलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्क्यूलर कॉइल। तो ये सब 3D बनाना पड़ेगा आपको। तो फिर से आपको एक कॉइल लेके दिखना पड़ेगा। तो एक कॉइल बना के लेता हूँ, ये और भी थोड़ा सा उसको, ये सॉरी, सेंटर लिया कॉइल का, इसको मैंने रेडियस बोल दिया इसका ए, और ये एक्सिस बना दिया, इसको बनाता हूँ मैं कॉइल का एक्सिस। एंड वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल एट ए डिस्टेंस एक्स, नहीं तो इसको आर बोलते। डिस्टेंस अने इसको एक्स ही बोलते। ओके, और आपको इसका करंट देखना है, करंट आपने लिया है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ये आपका कॉइल बन गया ऐसे, इस कॉइल में से करंट जा रहा है। कॉइल का रेडियस कितना है? ए है। डिस्टेंस कितना है? एक्स है।
तो अपन को पहले लेंथ एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर मैं एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट, ये है ना, इसको लेंथ एलिमेंट बोलता हूँ। इसको बोलता हूँ लेंथ एलिमेंट, डी एल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख के लेता हूँ, एल क्या है, टोटल लेंथ। एल क्या है आपका, टोटल लेंथ। आई क्या है, करंट है। डी एल क्या है, एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट। टोटल लेंथ कितना बनेगा बेटा, 2πa सरकमफेरेंस। ए अगर उसका रेडियस है, उसका सरकमफेरेंस कितना बन गया, 2πa बन जाए, बन गया। तो अभी मैं यहां से इसको जोड़ता हूं, यहां से इसको जोड़ा तो बेटा ये जो है ना, ये आपको अभी के लिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। आर गेटिंग माय पॉइंट, इट इज नॉट लाइक दैट। एलिमेंट को वो परपेंडिकुलर है। सो ये एंगल लेते समय इसको लेने का थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कितना लेने का उसको, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको एक एलिमेंट कंसिडर करता हूं तो मेरा हाफ पोर्शन ही हो जाएगा, बराबर। तो मैं और एक एलिमेंट यहां पे कंसीडर करता हूं, उसको भी मैं डीएल बोलता हूं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहां से आपको एक मिलेगा। तो ड्यू टू दिस एलिमेंट, सपोज आई विल कॉल दिस टू बी द डिस्टेंस आर, दिस टू बी द डिस्टेंस आर, फिर नीचे जाएगा और इस एलिमेंट की वजह से जाएगा ये ऊपर जाएगा। तो इसके इसको बोलेंगे DB, इसको भी बोलते हैं DB। तो भी क्या हो जाएगा, ये जो DB है आपका, ओके, इसको बोलते परपेंडिकुलर का साइन दिखाते इसको। को साइन दिया, तो अभी ये अगर थीटा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ओके। और वहां पे भी सेम, एक थीटा बन जाएगा, एक 90 माइनस थीटा बन जाएगा। अभी अपन को क्या करना है, अपन को ये करना है, यहाँ पे इतना डीप में मत जाओ, मैं आपको बाद में उसका ट्रिक बता देता हूँ। अभी के लिए आपको इतना ही कंसिडर करना है, फॉर ईच DB क्या हो जाएगा, ये आपका जो DB है ओके, अगर इसको थीटा मान लिया तो डीबी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। एक बन जाएगा डीबी पैरेलल, पैरेलल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं डीबी पैरेलल, वो दिख जाएगा आपको डीबी कॉस थीटा। और दूसरा वाला है आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, DB परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे DB साइन थीटा। तो यहां पे क्या होगा, फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा। देखो इस पॉइंट पे
मेरा ये एक डीबी है और ये एक डीबी है, दोनों भी सेम एंगल करेगा, अगर ये थीटा बनता है तो ये भी थीटा बनेगा, तो क्या हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा विल बी एडेड टूगेदर, डीबी कॉस थीटा, है ना बेटा। लेकिन आपको जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है, डीबी परपेंडिकुलर, डीबी परपेंडिकुलर, ओके, तो आपका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट्स विल कैंसल ईच अदर, क्या हो जाएगा, जो आपका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और जो पैरेलल कॉम्पोनेंट है, पैरेलल कॉम्पोनेंट है वो एक दूसरे को ऐड करेगा, ओके। तो आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना चलेगा, रिजल्टेंट विल बी ओनली डीबी, ये अभी टू डीबी कॉस थीटा, ये अभी टू क्यों नहीं लेना है ये बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप टू लेते हो तो बाद में आपको इंटीग्रेशन अलग करना पड़ेगा, अगर आप डीबी कॉस थीटा लेते हो तो अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्यों बता रहा हूं, अगर मैंने 2 डीबी कॉस थीटा लिया मतलब मैंने ये पोर्शन अलग रख दिया, ये पोर्शन अलग रख दिया, है ना, तो मुझे इंटीग्रेट करते समय कितना करना पड़ेगा, 0 टू टोटल लेंथ कितना है 2 पाई आर, लेकिन मैंने इसका हाफ ऑफ कर दिया है तो मेरे को लेना पड़ेगा 0 टू पाई आर, पाई ए सॉरी, लेकिन अगर मैं इसको डीबी कॉस थीटा ही रखता हूं, दोनों का मिला के एक रखता हूं, लेकिन ध्यान में रखना है इसके लिए ये है, इधर से लिया तो उधर होगा, हर एक डायगोनली अपोजिट कॉर्नर में, डायगोनली अपोजिट साइड में उस एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट वैसा मिलेगा, फॉर विच परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट विल कैंसिल ईच अदर, मतलब अगर मैंने ये इसका ये कॉइल है मेरा, ये कॉइल है, और ये छोड़ दो इसको, ये कॉइल पकड़ लो इसको, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरा पॉइंट है तो यहाँ से एक जाएगा तो नीचे से भी आएगा ना एक, तो इस पॉइंट के लिए ये डायमेट्रिकली नॉट डायगोनली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट मिलेगा, यहाँ ले लोगे तो ये एलिमेंट मिलेगा, यहाँ ले लोगे तो ये एलिमेंट मिलेगा, इन द सेम वे इफ वी आर टेकिंग दैट देन नो नीड टू टेक 2 डीबी कॉस थीटा, आप ले लो डीबी कॉस थीटा, आप कितना ले लो डीबी कॉस थीटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो लेते समय के लिए अपन को अभी क्या यूज करना पड़ेगा, अभी उसको अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है बायॉट सेवर्ट्स लॉ, तो बायॉट सेवर्ट्स लॉ करेंगे कैसे करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन db cos थीटा, तो अभी db निकालते हैं, db कैसे निकालेंगे, db इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन हाँ 4 पाई, नहीं तो ऐसे लिखते हैं, आपने जो जैसे पढ़ा है वैसे लिखते हैं, i इंटू dl क्रॉस r कैप अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन इसको लिखने से बेहतर है मैं इसको ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखता हूँ, db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन मेरा थीटा कितना है 90 है, यहाँ पे मैंने दिखाया है, तो मेरा कितना बन जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, अभी b विल बी इंटीग्रेशन db की जगह क्या लिखेंगे, तो db की जगह लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई को बाहर निकालते हैं और dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर इधर लिखते हैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन dl है ना dl अपॉन r स्क्वायर इंटू cos थीटा, तो अभी क्या बन जाएगा r स्क्वायर भी क्या है r स्क्वायर नहीं सॉरी है इसको r नहीं लेने का अपना a है ना रेडियस
ஆனால் என்ன பரபர் 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 கரெக்ட் 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 நோ நோ ப்ராப்ளம் நோ ப்ராப்ளம் நோ ப்ராப்ளம் தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் தோ கியா மே இஸ்கோ ஐசே லிக் சக்தா ஹூ கேசே மீ நாட் அப்பான் ஃபோர் பாய் மீ நாட் ஐ அப்பான் ஃபோர் பாய் இஸ்கோ காஸ் தீட்டா பி பாஹர் ரக்தா ஹூ அப்பான் ஆர் ஸ்கொயர் இன்டிகிரேஷன் டிஎல் और यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ लेके जाने का, क्योंकि मैंने 2 डीबी कॉस थीटा नहीं लिखा था, तो मैं लेके जाऊंगा 0 टू 2 पाई ए। तो ऑफ कोर्स इसका इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली उसका वैल्यू बाद में डालेंगे। तो बी कितना मिलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई ए, बन गया। तो एक चीज अपना पूरा बन गया। तभी अपने को अभी कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो ये मेरा ए है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा आर है। तो आर कितना बन जाएगा, आर विल बी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू हाफ रूट ऑफ दैट, बराबर ना, ये बन गया आर बन गया। मतलब आर स्क्वायर कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर बन गया, ओ सॉरी ब्रैकेट स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, आर स्क्वायर बन गया। एंड आर कितना बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेट मी चेक इट वेदर इट इज बोर्ड बोर्ड इज लुकिंग और नॉट मालिक मालिक बोर्ड इज हाँ सो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट इज टू हाफ, ये बन जाएगा आपका आर का वैल्यू। अब ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट करने का हम ट्राई करते हैं, वो कैसे आएगा। तो पहले अपना कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा कैसे आएगा, ये अगर मैंने थीटा लिया है, नहीं तो ये लिया था ना थीटा, वहां पे ये लिया था थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपना कॉस थीटा कितना बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा एक्स अपॉन आर। तो अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू डाला तो मेरे को मिलेगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई एक्स सॉरी एक्स अपॉन आर क्यूब इंटू टू पाई ए। तो अभी पाई ने पाई को काटा, ओके टू ने इसको काटा, तो मुझे मिला पी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स अपॉन आई एक्स ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 3/2 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, उसको मल्टीप्लाई किया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो एनीथिंग एम रूट एम, तो एम को कितना लिखते हैं एम रेस टू 3/2, वैसे ही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसको लिखते हैं ब्रैकेट रेस टू 3/2। अभी इसको मैंने अगर इसको मैंने कट करना नहीं है तो ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई बाजू रखने का एक्स अपॉन दिस। तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अभी आपको लिखने के लिए कैसा लिखना है वो दिखाता हूँ। आपको लिखने के लिए आपको क्या करना है बेटा, फॉर यू पीपल आपको ध्यान में रखना है क्या, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई। अभी यहां पे अगर सोचो कॉइल को एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ओके कॉइल को कितना है एन नंबर ऑफ टर्न्स है, बराबर
तो अभी ये कैसे बन जाएगा ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। फिर से आपको थोड़ा सा उसका सब कैलकुलेशन दिखाता हूँ। मैंने क्या लिया था बी, देन मैंने इंटीग्रेट किया डी बी कॉस थीटा, मैंने डी बी का वैल्यू डाला, ये सब मुझे मिला इंटीग्रेशन में म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई, हाँ, और उधर मिल गया कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में मिल गया टू पाई ए। तो मुझे क्या मिल गया, मैंने क्या किया म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई कॉस थीटा को मैंने क्या बोला एक्स अपॉन आर, तो ऊपर एक्स बन गया, ये बन गया आर क्यूब, बराबर इधर मिला टू पाई ए। ओके, तो अभी एरिया ऑफ कॉइल और इसको एन टर्न लिया है तो इधर म्यू नॉट एन आई ले लूंगा क्योंकि मैंने एन नंबर ऑफ टर्न लिया है, तो मैं उसको म्यू नॉट एन आई ले सकता हूं, बराबर। ओके, तो अभी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एरिया एंड सरकमफेरेंस। तो एरिया कैसे बनता है पाई ए स्क्वायर एंड सरकमफेरेंस टू पाई ए। तो अपने पास क्या है टू पाई ए है अपने पास, बराबर अपने पास 2 पाई ए है, दैट इज द सरकमफेरेंस। ओके, तो अभी एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स लिख सकता हूं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू हाफ, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू हाफ। तो अपन को क्या करना है, आपको एन आई ए जहां पे मिलेगा वहां पे आपको लिखने का एम, वहां पे क्या लिखने का एम लिखने का, और ये डेरिवेशन अपन को करने का है। सो बेटर यू व्हाट यू डू वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ओके, यू मेक अ प्रॉपर नोटिंग ऑफ दैट एंड व्हाट आई विल डू द डेरिवेशन फॉर दिस, क्योंकि मैंने जहां आर एक्स ए लिया है आप क्या करो अपनी एनसीईआरटी में जो नोटिंग दिया है एनसीईआरटी में वो नोटिंग को फॉलो करके, ये जो मैंने पढ़ा था इसलिए मैंने इसको सब हटाया है, इसमें थोड़ा थोड़ा आपको देखना पड़ेगा क्या क्या करना है, वो करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मैं क्या करता हूँ आई विल अगेन ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज दैट, और वो देख के आप बाद में उस डेरिवेशन को कंप्लीट करो, उसमें भी केस आता है वो आपको दिखाता हूँ, आइडिया कैसे ध्यान में रखने का वो भी बताता हूँ। ओके, तो पहले आप इसको नोट डाउन करके लो, अगर नहीं होगा तो नोट डाउन करो। ओके, तो ये क्या है, अपन को क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डायपोल में मैं ये आपको करके देता हूं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाट आई विल सजेस्ट यू आप क्या करो, ऐसा दो पैटर्न बनाओ, मतलब टेबल बनाओ, इलेक्ट्रिक डायपोल यहां पे, मैग्नेटिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को आपने कैसे किया था, एक डायपोल बनाया था माइनस क्यू प्लस क्यू, और उसको ऐसा आपने इक्वेटर को लिया, एक्सिस का लेने का जरूरत नहीं, इसको इक्वेटर का, इसका इक्वेटर का देखो। तो यहां पे भी मैग्नेटिक डायपोल के लिए एक तो आएगा ऐसा आपका, ये बन जाएगा इक्वेटर, ये पॉइंट इज सेम, दूसरा बन जाएगा ऐसा, यहाँ पे ये बन जाएगा एक्सिस, यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू, ये बन जाएगा इसका एक्सिस। लेकिन अभी के लिए अपन को ये कुछ नहीं है, तो आपका कॉइल के लिए बनाना है, तो यहाँ से इस डायपोल को हटा के अपना जो डायपोल है कौन सा कॉइल वाला, उसका एक ही है, उसका एक्सिस मतलब कौन सा
कॉइल के एक्सिस के लिए आप हम ले लेंगे ऐसा। तो ये डायग्राम अगर आपने बना दिया तो इसके लिए कौन सा आता है, सो दैट वी विल डिस्कस इन द टुमारोज लेक्चर। तो फॉर द टुमारोज लेक्चर क्या करेंगे, एट फर्स्ट आई विल जॉट आउट द पॉइंट्स एंड आई विल शो यू हाउ द डेरिवेशन कम्स, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन एट दैट पॉइंट, आई विल जस्ट वन बाय वन आई विल गिव यू द पॉइंट एंड यू नोट डाउन इन योर नोटबुक व्हाट आर द पॉइंट्स, और वो डेरिवेशन करने के बाद आई विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के बाद अपन को जाना है एम्पियर्स सर्किटल लॉ के लिए। तो आपको पढ़ने के लिए आपको क्या जरूरत है, एनसीईआरटी का रीडिंग करो, रीड द एनसीईआरटी प्रॉपरली। उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले तो पूरा इंट्रोडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है उसका, देन द मैग्नेटिक फोर्स, व्हाट इज द लॉरेंट्ज़ फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, देन कंबाइंड इफेक्ट, देन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड द पाथ ऑफ द पार्टिकल, ओके, ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। उसके बाद में बायट-सेवर्ट्स लॉ, बायट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ने के बाद उसका एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन मैंने दिया आपका स्ट्रेट कंडक्टर का, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसको देख के आओ कल स्टार्टिंग में, एक तो अब मैं आपको इधर बोर्ड पे करके दिखाऊंगा, नहीं तो मेरे हैंड राइटिंग में आपको उसका डेरिवेशन करके दे दूंगा, बिकॉज फॉर द बोर्ड दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको मैं शॉर्टकट में वो कैसे ध्यान में रखते हैं, वो मतलब लिखने के लिए फॉर्मूला तो कल आप याद करके ही आओगे, फॉर्मूला तो कल याद करके आओगे, और मैं आपको बताऊंगा किधर एक्स लेना है किधर आर लेना है, क्योंकि कौन कौन सी बुक में वो अलग अलग छापा है। सो एनसीईआरटी में इट इज गिवन डिफरेंट, इन एच सी वर्मा इट इज गिवन डिफरेंट, इन मेनी बुक्स डी सी पांडे इट इज गिवन डिफरेंट। डी सी पांडे में तो उसको ऐसा एक्स वाई जेड डिरेक्शन में वो आपको समझ नहीं पाओगे, वो लेंदी डेरिवेशन। तो टुमारो आई विल प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट डेरिवेशन फॉर द कॉइल एक्सियल एंड वो डेरिवेशन आपको अपनी नोटबुक में सबको पूरा प्रिंट करके लेना है, उसको बाय हार्ट मत करो, एक दो बार लिखने का प्रैक्टिस करो, दैट विल बी योर इन्वेस्टमेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और बाकी में इसका जो कुछ है, मतलब उसका एमसीक्यूज वगैरह है, प्रॉब्लम्स वगैरह है, दैट वी विल डू टुमारो डे आफ्टर टुमारो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, मिसिंग यू अ लॉट, नाउ वी आर ऑल्सो टायर्ड ऑफ टीचिंग टू द वॉल्स, सो वी आर थिंकिंग इन माइंड दैट स्टूडेंट्स आर देर इन फ्रंट ऑफ अस, सो ओके एटलीस्ट वी आर नाउ हैविंग डाउट सेशन विथ गूगल मीट, तो वहाँ आपको देख सकते हैं, एक दूसरे को हम देख सकते हैं, तो ऐसा तो चलते रहेगा। बट आई होप आप अपना होप मत छोड़ो, आप अपना जो जिस पोटेंशियल से आप स्टडी कर रहे हो वो मत छोड़ो, दिन सब आते हैं, अगर रात काली है, इफ द ब्लैक नाइट इज देयर, अवस की रात बोलते हैं, कितने भी काली हो रात, 7-8 घंटे से ज्यादा रात रात नहीं रहती, उजाला एक दिन आता ही है। सो फॉर ईच एंड एवरी ब्लैक नाइट देर इज अ कॉन्सिक्वेंट प्रॉस्परस डे ऑल्सो, आज रात है तो सुबह कल होगी, आज आप घर में बैठे हो तो एक दिन आएगा घर से निकल के स्कूल में आओगे, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। सो अपना स्टडी मत छोड़ो, ये जो आज मैंने पूरा एक घंटे में आपको जो सिखाया है, यू हैव टू डू इट बाय हार्ट, मतलब आपको रिसाइट नहीं करना है लेकिन आपको वो पढ़ना है, और कल मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे दूंगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।